और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सादत अली, कलबा रमजान फेस्टिवल पे मैं आया हूं और आज आपको मैं कलबा रमजान फेस्टिवल पे लेकर चलता हूं। अंदर क्या चल रहा है वो चल के आपको दिखाता हूं। यहां पे किस तरह रमजान की रातें गुजरती हैं, किस तरह एक्टिविटी होती है, वो चल के आपको दिखाता हूं। المدرب عبد الرحمن الشاهر، مدرب فريق محل الدين. يلا يلا تعال، والله والله بسلمة سعادة راشد سعيد بن فريش رئيس مجلس إدارة نادي जी। तो दोस्तों जब मैं फेस्टिवल के अंदर पहुंचा तो उस वक्त मैच ख़त्म होने वाला था। उसके बाद मैच ख़त्म हुआ, एक टीम जीत गई और जीतने वाली टीम को इनामात तकसीम किए गए। और अब चल के देखते हैं दूसरी तरफ क्या एक्टिविटी है यहाँ पे, वो चल के देखते हैं। कलबा रमजान फेस्टिवल लगाया गया है, ये खेलों को तरजीह देने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद वॉलीबॉल का मैच है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। مقابل هدفين لاتحاد كلبا وللعودة مع أحداث بداية الشوط الثاني. بشكل سلس بس فوته، ولكن تتقلص هذه من ثاني، رجعت على خبر الان
رجعت مرة ثانية توصل الكرة إلى 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 أربيع أربيع إلى وليد إلى إلى علي خمر إلى عادل. तो दोस्तों कल बार रमजान फेस्टिवल रमजान की रातों में लगाया जाता है। इस पल लगाने का मकसद खेलों को फरोग देना है। अभी भी यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा था और भी लोग फुटबॉल को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। अलग अलग क्लब से टीमें आती हैं, उनके मैचेस होते हैं, फिर जो जीतता है उनको इनामात भी दिए जाते हैं। इस बार रमजान फेस्टिवल को इतना बड़ा इवेंट तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। दोस्तों अभी मेरे पास सहरी का टाइम होने वाला है, मैं जाके अभी सहरी की तैयारी करूंगा, सहरी करूंगा, रोज़ा रखूंगा। आप भी जाके सहरी की तैयारी करो, रोज़ा रखो। अभी आपसे इजाज़त चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।